हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 का जो साइंस है वो उसका चैप्टर 2 करवाऊंगी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के जो संघटक है वो करवाऊंगी। तो उसका जो वो जो है बिलिंगुअल मेथड में रहेगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं दोनों ही इसको देख सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप अपने घर पे करो। अभी आई नो कि लॉकडाउन है, आप कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हो, बट उसको घर पे कर सकते हो। और करने के बाद आप कमेंट के हमको बताना कि आप को कैसा लगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ यू सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। और जो है आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, सभी विषय की और सभी कक्षाएं की आपको वीडियो मिलेंगी। ये वीडियो जो है, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे साइंस से, उनके लिए भी ये उपयोगी है, वो भी ये देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस होता है भोजन के घटक, यानी ये चैप्टर 2 है सोशल साइंस क्लास 6 का। इन चैप्टर 1 बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम व्हाट वी एट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम एटेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले ये विभिन्न क्या हैं, भिन्न भिन्न व्यंजन के बारे में बताया जा चुका है। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर जिसको भिंडी कहते हैं। इट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। एक प्रकार के भोजन में जैसे चपाती हुआ, दाल बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल सांबर भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बोल रहा है अन्य भोजन में अपम मछली और सब्जियां हो सकती है। एक्टिविटी 1, आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। इसका मतलब हुआ आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अदर आइटम कुड बी दाल और डिश और मीट एंड वेजिटेबल, और दूसरा या तो दाल होता है या तो मीट होता है या वेजिटेबल होता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, इसमें दही मट्ठा अचार ये सब भी क्या होता है, शामिल होता है। तो देखते हैं, सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट, विभिन्न क्षेत्र या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन हैं। जैसे देखिए पंजाब में क्या होता है, मक्के की रोटी, तो मक्के की रोटी को कॉर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइटम ऑफ दाल या मीट में वहाँ राजमा, काइडनी बीन्स जिसको राजमा कहते हैं, सरसों साग, मस्टर्ड लीफ कड़ी एंड अदर में कर्ड या घी। आंध्र प्रदेश में राइस, अरहर की दाल देखिए जिसको त्वार दाल एंड रसम यानी चारू भी बोलते हैं, तो रसम या चारू। उसके बाद है कुंदरू जिसको डोन डकाई बोलते हैं, एंड बटर मिल्क, घी और पिकल यानी मट्ठा घी और अचार, ये आंध्र प्रदेश का है। कर्ड बटर मिल्क पिकल, सम एग्जांपल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन टेबल 2 points, लाइक फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चपाती, एड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस टेबल 2।
समथिंग वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील. बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने भोजन में वस्तुत इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं. इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. तो जब हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो जो अवेलेबल होता है इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. यानी तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है. हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके. देयर मस्ट बी सम रीज़न थॉट वी मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. आहार में जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए. क्या हमारे शरीर को कोई विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? What do different food item contain? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? We know that each dish is usually made up one or more ingredients. हम लोग जानते हैं कि जो भी भोजन होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार की सामग्री से क्या होता बना होता है. Which we get from plant or animal. जो हमको किससे मिलता है plant या animal से. This ingredients contain some components that are needed by our body. This component are called nutrient. तो इसको हम nutrient या क्या कहते हैं पोषक या पोषक कहते हैं. The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. In addition, food contain directly fiber and water which are also needed by our body. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे आप देख ही रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये अन्य पोषकों परीक्षण की अपेक्षा सरल है. तो नेक्स्ट बोल रहा है डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट. विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेंट वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट. द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस आर सिंपल टू डू एज compare to the taste for their nutrient. Let us do this test and record all our observation in table 2.2. तो बोल रहा है कि जो भी है क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं. कुछ साधारण विधियों से यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके भोजन में कौन कौन से या एक से अधिक पोषक उपस्थित है. जैसे देखिए आपने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा या अन्य पोषक के परीक्षण की अपेक्षा सरल है. आइए हम इन परीक्षकों को बोल रहा है करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में देखते हैं. ठीक है. If the required solutions are not available in ready-made form, जब बोल रहा है कि जब कोई solution ready-made नहीं तैयार होता है तो your teacher can prepare them as given in the box. तो आपके teacher आपको क्या करेंगे help करेंगे. Let us begin be tasting different food item to see them contain carbohydrate. There are many type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in जो हमारे भोजन में बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट मिलता है और डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिनेक्चर आयोडोनिक टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विद वाटर. तो यहाँ बोला ए डिल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप. यानी आयोडीन का जो तनु विलयन होता है बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में बोल रहा है कुछ बूंदे यानी ड्रॉप फ्यू ड्रॉप कुछ बूंदे टीचर आयोडीन की मिला दीजिए. ठीक है.
टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम g ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलियन ml ऑफ वाटर। यानी कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बना जाता है। कैसे बनता है? 100 मिलीग्राम जल में अगर आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दीजिएगा तो वो कॉपर सल्फेट विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। 100 मिलीलीटर जल में जब 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें जो अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। फ्रॉम स्टार्च ऑफ सुगर्स वी कैन ईजली टेस्ट फूड आइटम कंटेन सर्च एक्टिविटी 2। ये आपको परीक्षण दिखाया। नेक्स्ट 2 में देखिए परीक्षण क्या बोल रहा है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स पुट 2 or 3 ड्रॉप्स डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ऑब्जर्वेशन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम डिड इट टर्न ब्लैक ब्लू और ब्लैक। टेस्टिंग ऑफ स्टार्च देखो कैसे कर रहा है। ये आयोडीन है और इसको उसने प्रोडक्ट काट के डाला है। अ ब्लू ब्लैक कलर इन इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। जो ब्लू और ब्लैक कलर ये क्या बता रहे हैं कि उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च इंटर ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप जो है रिपीट कर सकते हैं दूसरे फूड पे कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। अगर वो ब्लैक और ब्लू हो गया तो मतलब वो है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड Take a small quantity of food item for tasting. If the food you want to taste is a solid, अगर आप taste करना चाहते हो भोजन को solid में तो you must need to make a paste of it or powder it. Green to mush a small quantity of the food item. उसको mush कर लो, green मतलब paste कर लो। Put some of this in a क्लीन टेस्ट ट्यूब और उसको साफ एक टेस्ट ट्यूब में डालो। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालो इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब और उसको फिर मतलब मिला लो सेक कर लो। नाउ यूजिंग अ ड्रॉप एड ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो इसमें आपको बोल रहा है कि 2 बूंद देना है कॉपर सल्फेट और 10 बूंद देना है किसका कास्टिक सोडा का टू द। देखो कैसे ये कर रहा है। ये कास्टिक सोडा है एंड ये कॉपर सल्फेट है और टेस्टिंग फॉर प्रोटीन का वो टेस्टिंग कर रहा है। इस तरह आप बच्चे घर पे कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट और उसको जो है कुछ मिनट के लिए उसको चेक करना है अच्छी तरह से। व्हाट डू वी सी उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। वो जो टेस्ट ट्यूब था वो वॉयलेट कलर में अवॉर्ड हो गया। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो इससे जब वॉयलेट कलर हो गया तो क्या पता चल गया कि इसमें प्रोटीन है जो भी फूड आइटम है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब दूसरे फूड आइटम पे भी ये कर सकते हो। तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स स्टार्च प्रेजेंस प्रोटीन प्रेजेंस एंड फैट प्रेजेंस। तो रॉ पोटैटो में क्या है स्टार्च प्रेजेंस यस प्रोटीन उसमें नहीं होता स्टार्च है तो नहीं। देखो मिल्क में क्या होता प्रोटीन होता है तो हाँ यस कर दिया। फिर ग्राउंड नट उसमें है यस। अनकुक्ड पाउडर राइस कुक्ड राइस ड्राई कोकोनट अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर
कुक दाल, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, अ बॉयल एग विद प्रोटीन। तो ये लिस्ट है, इसको आप घर में ही टेस्ट करके और इन सब में स्टार्च है या प्रोटीन है क्या है वो आप पता लगा सकते हो। तो इधर मैंने आपको बताया कि टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च, ओके, टेस्ट फॉर स्टार्च बताया, प्रोटीन बताया। अब टेस्ट फॉर फैट, उसमें देखो फैट भी था, तो आप फैट का कैसे टेस्ट करते हैं। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, क्या करेंगे हम लोग, पहले कुछ कम मात्रा में भोजन लेंगे, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, फूड आइटम, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, देखना है कि पेपर फटे नहीं, नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी लाइट फाइनली थ्रू दिस पैच एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, द फूड आइटम में सम टाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, इफ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट कुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, इफ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो इसका अर्थ हुआ कि खाद्य पदार्थ का बोल रहा है कि अल्प मात्रा लीजिए और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट लीजिए, ध्यान रखिए कि कागज फट ना जाए और कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस तेल के धब्बे हैं, अगर कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर कागज़ पर मानते हैं कि अगर तेल का धब्बा है तो वो क्या है, वसा है यानी फैट है, और खाद्य पदार्थ में कभी कभी क्या होता है, जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे रगड़िए और कुछ खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मर्द उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने तीन पोषकों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ बताया है, देखो बोला बी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, देर आर ऑल्सो द न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट। तो हमने तीन पोषक तत्वों को जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया, जो विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, इन सभी परीक्षणों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, वाई। तो जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में यहाँ सभी खाद्य पदार्थ को लिया गया है, दिस इज स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, यू नो दिस, पपाया, मैंगो, मेलोन, मेज, बाजरा, राइस, वीट, ये सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट में ये सारे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये सभी आते हैं। देन अभी देखिए, ये सम सोर्स ऑफ फैट, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स बोथ, तो लेट सी, दिस इज ग्रैंडनट्स, नट्स, तिल एंड सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल वी यूज़ एवरी डे लाइफ, एंड मीट, फिश, घी, मिल्क, क्रीम, एग एंड बटर. These are some sorts of fat, plant and animal both. Some sorts of protein, plant source and animal source. तो protein देख रहे हैं आप, किस में protein होता है, तो protein में क्या आ जाएगा source में, gram, मूंग, ये मूंग है, मूंग, तुअर दाल, beans, सोयाबीन एंड peas. तो देखिए स्टूडेंट, सोयाबीन का जो हम लोग एक बड़ी आता है वो उतना फ़ायदा नहीं करता. जो उसका ये बीज होता है ना, सीड होता है ना, उसमें 100% जो होता है प्रोटीन होता है. सोयाबीन एक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन भी रहता है कि 100% प्रोटीन किस फ्रूट में रहता है, तो वो सोयाबीन होता है. तो ये अगर आप ऐसे खाओगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा. तो ये आपको प्लांट सोर्स था प्रोटीन का, और देखो ये एनिमल सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें आपका क्या आ जाएगा पिक्चर में आप देख रहे हो, लाइक मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क एंड सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, पपाया. विटामिन ए किसमें रहता है, पपाया में, कैरोट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये विटामिन ए के सोर्स हैं. सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो बी देखो किसमें, राइस, वीट एंड लीवर. देन सोर्स, सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो ग्वावा, ग्रीन चिली, लेमन, आमला, टोमेटो एंड ऑरेंज. आमला जो होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है. सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी में लीवर, एग, फिश, बटर एंड मिल्क. आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ अ डे इनफ्यूसियंट एक्सपोजर्स टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल. हमारे शरीर में सूर्य जो है, सूर्य भी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्या बोल रहा है, विटामिन डी बनता है. और इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है. क्योंकि सुबह सुबह जो है हम लोग को, सुबह सुबह मॉर्निंग का जो सूर्य की रोशनी होती है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है. तो अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो आप सुबह उठ के थोड़ा देर धूप में खड़े रहे ब्रश करते टाइम मॉर्निंग में, तो उससे आपको विटामिन डी मिलेगा. और बच्चे, आप लोग अपने बच्चों को भी इसके लिए बोले, ये काफ़ी फ़ायदा करता है सूरज की रोशनी जो मॉर्निंग की होती है. नाउ सम सोर्स ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का सोर्स आपका अदरक यानी जिंजर, ओके, फिश, सॉल्ट एंड सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, मिल्क, चिली, बनाना. देख रहे हैं सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन में भी वही है लीवर, जो हरी साग सब्जी होती है, एप्पल, ये सब इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है. और मिल्क और एग सम सोर्स ऑफ क्या है, कैल्शियम. सम सोर्स ऑफ मिनरल्स में आ जाएगा मिल्क एंड एग जो है ये. तो ये हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. पानी जो है वो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उसको अब्सॉर्प्शन करने में क्या होता है, हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे यूरिन एंड स्वीट से बाहर निकल जाता है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी.
In addition, we add water to most cooked food. Let's see if they are in any other source which provide water in our body. तो देखते हैं, बोल रहा है कि पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पसीना के जरिए हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस. टमाटर और बोल रहा है कि एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल ले और इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले. नेक्स्ट, डू यू हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं. केयरफुली ऑब्जर्व वेन इवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट प्लीड ग्रेड एज मस्टर्ड एट योर होम. डू यू फाइंड फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. जब हम आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या क्या बोल रहा है मसाला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करेगी. क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनसे पानी की मात्रा नहीं होती, जिनमें क्या होता है पानी की मात्रा नहीं होती. वी सी दैट मैनी फूड और मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट. आवर बॉडी नीड आवर मेड बाय दिस वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम. हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है. कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है. इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं. अब नेक्स्ट है सन डाइट, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं संतुलित आहार. तो द संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, ये समझते हैं. The food we normally eat in a day in our diet for growth and maintain of good health, our diet should have all the nutrients that our body need in right quantity, not too much of one and not too little to the other. बोल रहा है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व क्या होता है, उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफ एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, रुच्छांश और जल भी होना चाहिए. इस प्रकार के आहार को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार कहते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. तो यहाँ क्या बोल रहा है, हम सभी जानते हैं कि पकाने के लिए क्या होता है. क्या बोल रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है. Think that what need for a balanced diet will depend on the amount of physical work that we do. तो क्या होता है, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है. Prepare a chart of whatever you ate over a period of week. Check whether all the nutrient mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए. जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें कोई पोषक तत्व उपस्थित है. पर्ल्स, ग्रैंड नट, सोयाबीन, सॉर्ट सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर्स, मिसिंग रोटी, मिशी रोटी, चपाती मेड फ्रॉम द क्रियल पर्ल्स, बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट. देयर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और किन्वी भोजन यानी दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण में अत्य मिशी रोटी,
थेपला अनाज और दालों से बना हुआ होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के जो अन्य भोजन और कई उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्पव्यय में भी क्या होता है संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ठीक है, नाउ बोड़ी पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट फॉर दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस्ड डाइट। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। तो क्या होता है पोषक तत्व या नष्ट क्या हो बोल रहा है यहाँ पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर अगर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके जो कुछ विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं अलग हो सकते हैं। वी ऑल नो कुक इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक easier to the digest. At the same time, cooking also result in the loss of क्या होता है certain nutrient. Many useful protein क्या होता है कि हम लोग taste के वजह से बहुत बार उसके nutrient को नष्ट कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं। Many useful protein and considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking and it's them throw away. इतना ज़्यादा पानी से धोने की वजह से जो उसका मिनरल्स होते हैं विटामिन होते नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा गर्म आग में पकाने की वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा पकाने से वो नष्ट हो जाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें। बुझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड is not it. So if ate nothing but food rich, यानी बुझो ने सोचा कि हर वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता कि अतः उसने तली हुई चीज़ें समोसा पूरी मलाई रबड़ी पेड़ा आदि पर अधिक क्या हुआ वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो एक हो क्या हुआ फिर ऐसे खाने की वजह से। इनफैक्ट फ्राई फूड लाइक समोसा ये सब खाया। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या वो सही था। नो ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल सही नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट सो मच ऑफ फैट रिच फूड एंड बी मैनी एंड सफिशियंट फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो क्या होता है कि इस तरह का भोजन बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर मोटापा जो ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा जिसके कारण क्या होता है मोटापा हो जाता है हम लोग को। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज। ओके, अ प्रेजेंस मे बी गेटिंग इनफ फूड टू एट बट समथिंग द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी। तो क्या होता है ये इसका अर्थ होता है डिफिशियंसी डिजीज, आप जानते हैं इसका हिंदी हो जाएगा अभाव जन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी ऐसी विशेष पोषक कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। और एक अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृति उत्पन्न कर देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे अभाज्य रोग बोलेंगे, जिसको डिफिशियंसी को बोलते हैं अभाज्य रोग कहते हैं इसके अभाव से। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज एंड हर
food for a long time, he she likely to have stunted growth, swelling of face, control on discolorations of hair, skin disease and dehydration. तो बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिस आदि। या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वो इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी देखिए 2.3 में बोलता है, दिखाया गया है, तो आगे इधर 2.3 का सारणी है वो देखिएगा, जिसके वजह से हो गया है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सभी अभावजन लोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्फ द रीज़न वाई वीली Varying food from different reason had a common some diseases. Now 2.3 जो मैंने बोला देख लो, यहाँ पे deficiency से किस से क्या deficiency हो जाता है और उसका ये भी दिया, जैसे कि विटामिन ए, फर्स्ट विटामिन ए लॉस ऑफ विजन यानी दृष्टि, जिसको छीनता दृष्टिहीनता बोलते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट। एंड इसमें क्या होगा, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बिल्कुल तरह से खत्म। नेक्स्ट है विटामिन B1, जिसकी वजह से बेरी बेरी बीमारी होता है। एंड वीक मसल, जिसके मसल क्या होगा, वीक हो जाएगा, वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से स्कर्वी एंड ब्लिंडिंग गम्स, ओके, दुर्बलता, पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। विटामिन डी से रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, इसमें क्या होता है, मसूरों से खून निकलता है। विटामिन सी में तो अब देखा ही, विटामिन डी में क्या होगा, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना भी होता है विटामिन डी। एंड नेक्स्ट कैल्शियम से बोल रहा है, बोन एंड टूथ डिके, अस्थि और दंत क्षय होता है, वीक बोन्स टूथ डिके क्या होगा, कमजोर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है आयोडीन से एनीमिया होता है और एनीमिया से क्या होगा, कमजोरी यानी वीकनेस हमारे शरीर में हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो क्लास है, सेशन है, वो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब पूरा समरी को डिटेल में थोड़ा समझाने में टाइम लगता है तो इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी में जो पॉइंट्स सब है नोट आउट करिए और आप इंजॉय करते हुए इसको सुनिए। एक दो बार सुनने से आपके जो भी विटामिन ए बी सभी याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लासेस। जो क्लास सिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही, प्लस जो सीटेट सोशल, जिनका सीटेट साइंस है, साइंस से सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप पूरे वीडियो को वॉच करें। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।